पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग मंडी स्थित देर रात झाड़ू और बोरा पट्टी की दुकानों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से लगभग एक दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे किराना पट्टी में अचानक आग का गुब्बारा उठने लगा। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी सदर थाना पुलिस के साथ साथ अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाने की कोशिश की। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। बाद में पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर चुके हैं। इधर अग्निकांड के कारण पूरी मंडी में अफरा तफरी मच गई। यहाँ पे भैया आपकी भी दुकान थी? हाँ, हमारी दुकान थी। क्या चीज की दुकान थी आपकी? झाड़ू का। लगभग कितना दुकान था यहाँ पे? 20 दुकान के आसपास है। 20 दुकान के आसपास सब दुकान झाड़ू का ही था? हाँ, कुछ सब दुकान झाड़ू का ही है। एक दो चार दुकान नाश्ता चाय नाश्ता का भी है। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? थर्मोकोल गिलास का भी दुकान है। कितना का नुकसान हुआ होगा? मोटी 40-50 लाख के आसपास नुकसान हुआ होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोतीलाल शाह है। जब आग लगी आप यहाँ पे मौजूद थे, कैसे आग लगी थी आपने? ये तो हमने देखा, हम तो गाड़ी में सुतल थे। जब हल्ला हुआ तब हम जागे, तब देखे आग लगल। आग लगा हुआ था? कितने दुकान में आग लग चुका था तब तक? तभी 2-3 दुकान में लगा हुआ। 2-3 दुकान में? इसके सूचना आपने किसको दी थी? सूचना आपने किसको दी थी? हम मालिक को दिए, विष्णु भैया को। विष्णु भैया को? उसके बाद अजय को दिए। उसके बाद किसी का नंबर नहीं था हमारे पास, जब किसी को फोन। वो आप ड्राइवर है गाड़ी के? विष्णु भैया ड्राइवर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गजेंद्र पासवान। बता दें कि इस पट्टी को झाड़ू पट्टी भी कहा जाता है, लेकिन अधिकांश किराना सामान की दुकानें ही इस पट्टी में हैं और इसके चलते अब इसे लोग किराना पट्टी के नाम से जानते हैं। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक और थर्माकोल के सामान रहने की वजह से आग ने भयानक रूप ले लिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।